छोटाउदेपुर के पौराणिक जागनाथ महादेव मंदिर पर आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष धार्मिक पूजन के साथ शिव भक्तों द्वारा दर्शन के लाभ लिए गए। छोटाउदेपुर नगर के पौराणिक जागनाथ महादेव मंदिर पर भी आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है कि छोटाउदेपुर नगर में आया हुआ जागनाथ महादेव मंदिर स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना है। ऐसे में अब आज शिवरात्रि पर्व को मनाते हुए आज विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो मंदिर का इतिहास महाराज माधवदास जी द्वारा दिया गया था। जागनाथ मंदिर की जगह काफी प्राचीन है। 800 साल पहले जमीन से शिवलिंग यहां पर प्रकट हुआ था, वैसी जानकारी मंदिर के महंत द्वारा दी गई। जहां आज ये शिवरात्रि पर्व को मनाते हुए छोटा उदयपुर के सांसद गीताबेन राठवा सहित शिव भक्तों ने दर्शन के लाभ लिए थे। जागनाथ महादेव मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन जगह है। 800 बरस पहले इस जमीन में से स्वयं प्रकट हुए हैं भोले बाबा। और उस समय इतिहास ऐसा है कि मोहम्मद बेगड़ा ने आक्रमण किया था पावागढ़ पर, और पावागढ़ उसमें सबको मार डाला। उसमें रानी साहब जो है बच जाती हैं, नौकर ने उनको बचाया है उनके, और नौकर वहाँ से लेकर के भागा है। और जाम्बूगुड़ा तेजगढ़ अपने कंजरी जयदर सिंह बापू का जो गांव है मिनिस्टर से, वहाँ से पची पावजेतपुर तेजगढ़ पची बाद में हापेश्वर रानी साहब गए। रानी साहब को गर्भ वहाँ से था, वहाँ से आते उनको लौट आए वहाँ हापेश्वर से। मोहन एक जगह आती है कड़ी पानी और कबाट के बीच में, वहाँ पर राजा थे कोई। रानी साहब को पानी पीने की इच्छा हुई, नौकर को बोले भाई चलो सामने मॉल या घर है वहाँ जाके पानी पी। वहाँ राजा ने कांच के अंदर से देख लिया कि कोई आया है, पची बाहर निकल आए, पची पूछा कि आप कहाँ से आए। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ गर्भ वहाँ से था। तो राजा, वो राजा को कोई बहन नहीं थी, उन्होंने बहन बना के उनको रखा। और वहाँ दो राजकुमार पैदा हुए, वीर सिंह अभय सिंह। तो वीर सिंह ने देवगढ़ बारिया बसाया, देवगढ़ बारिया जयदीप सिंह जी उर्वर सिंह जी भी वो भी उदयपुर आवे थे यहाँ आवे। और अभय सिंह जी बड़े हुए तो 800 बरस पहले यहाँ इधर कहीं आ गए, जंगल था ही तो यहाँ आकर के पानी पिए, नींद आ गई। फिर सपना हुआ है जगन्नाथ बाबा कि तू जमीन में से मेरे को निकाल और तो मंदिर बना। तो पुराना उदयपुर ये है, यहाँ बाद में बीमारी कोई आई तो राजा उधर ले उधर सामने उदयपुर बसा। तो पुराना उदयपुर ऐसा है कि जागनाथ मंदिर का पुराना इतिहास है। और यहाँ इस जगह का प्रभाव है कि कोई भी आवे 25 बरस 50 बरस पहले भी रहा हो वो आवे तो पहले उसके घर नहीं जावे, यहाँ पर डोगरे बाप जी कभी सुखदेव ऋषि के अवतार थे वो यहाँ के रहते थे। उनका जीवन उन्होंने बोल दिया था कि मैं मेरा जागनाथ में मेरे जीवन पूरा करूँगा। कवि सुंदरम स्वामी अरविंद रंग अवधूत जी ने अनुष्ठान किया यहाँ पर। क्या इस जगह का मंगलवार का विश्व में भोले बाबा को सोमवार को मानते हैं, लेकिन यहाँ मंगलवार को भी मानते हैं। मंगलवार को किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो नहीं होता हो, संतान नहीं होता, डॉक्टरों ने ना बोले उसको संतान दिया है जागनाथ बाबा ने, ऐसा प्रभाव है। क्या आपके भाई लोग भी पावजेतपुर से यहाँ पर आए थे, यहाँ की मान्यता लिए थे। इस जगह का अद्भुत जगह है, ये आप देख रहे हो ना, बाजार के अंदर कोई जाएगा नहीं।